आपको दुनिया की हर मुश्किल हर मुसीबत से दूर रखे। तो इसी दुआ के साथ हम करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ खड़े घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। और प्लीज मेरी वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखा करें। तो हम करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखें कि मैं जो पीला पीला सूट पहना हुआ है, सूरजमुखी बनी हुई हूँ और मैं पौधों के दरमियान में खड़ी हुई हूँ। और देखें ये कितने कितने प्यारे प्यारे पौधे हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं जा रही हूँ गाँव और मैं अपने गाँव आई हुई हूँ और अपने गाँव वाले घर में हूँ। और यहाँ पे ये जो मैं जहाँ पे खड़ी हुई हूँ ये दरअसल मेरी फूफो का घर है। और जो है ना मेरी जो फूफू है, जो मेरी कज़न है उनकी बेटी, उसको वो पौधों का बहुत ज़्यादा शौक है। और उसने माशाल्लाह देखे कितने ज़्यादा अपने घर में जो है ना पौधे लगाए हुए हैं और रखे हुए हैं। और वो इनकी बड़ी केयर करती है और हमारे सारे गांव वाले जो है ना वो आके उससे मशवरा भी देते हैं कि हम अपने पौधे कैसे रखें, क्योंकि आजकल खजान आगे आ रही हो और पौधे जो है ना वो लोगों के ख़राब हो रहे हैं। लेकिन देखें ये पौधे कितने चेक रहे हैं। दरअसल ये भी जो जानदार चीज़ होती है ना, इनके साथ भी आप ये ना समझा करें कि ये पौधे और ये बेजान नहीं। अगर आप इनके साथ हंस के इनकी जैसे 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 खुशी से केयर करेंगे ये वैसे वैसे ज़्यादा पौधे जो फले फूलेंगे। तो ये देखें ये जी है यहाँ पे उसने अपना इतना सारा एरिया जो है ना ये सारे पौधे ही हैं। और माशाल्लाह देखें कितने ये मनी प्लांट की जो बेल है वो देखें कितनी अच्छी उसने ग्रोथ की हुई है। और एरोकेरिया है इसमें, और इस पर ये जो है ना कंगी पाम है, और ये इसमें स्पाइडर प्लांट भी है, और ये इसको येलो हकीक बोलते हैं, ये हकीक भी है, और बहुत सारे पौधे मुझे उनका नाम नहीं आता। ये कंगी पाम है मेरे ख्याल, और ये दूसरा पाम है। और मुझे तो देखकर मैं आपको बता रही हूँ, वैसे ही माय यूट्यूब फैमिली दसना मैनू ज़रूर कि मैं कैसी लग रही है पौधे खिलौती हुई। और जो है ना मैं यहाँ से अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो मेरी वीडियो है, मेरी जो फूफो का घर है, हमारी फूफी भतीजी का घर आमने सामने है। और मैं जब 2 दिन से आई हुई हूँ और मैंने इधर अपने इस वाले घर में स्टे किया हुआ है। और क्योंकि मेरे घर में हो रहा है काम, मिस्त्री लगे हुए हैं, तो फिर उधर मैं रुक नहीं सकती। और मैं आपको अब चलती हूँ और अपने घर का जो है ना, अपने घर का जो है, ये मेरी फूफो का घर है और मैं अपने घर का आपको विजिट करवाती हूँ कि कहाँ तक काम पहुँचा है मिस्त्रियों ने, कहाँ तक। आपको पता है कि जब एक दफ़ा मिस्त्री जो है घर में आ जाए तो फिर वो घर का रड़ा निकालती तो फिर ही निकलते। तो मैं देखती हूँ कि सुल्ताना को उन्होंने कितना सारा रड़ा जो है वो निकाल लिया है। और हम चलते हैं आप अपने मेरे घर में और मैं आपको दिखाती हूँ सुल्ताना का घर गाँव वाला जो बन रहा है। तो चले आए आप मेरे साथ। मैं अब जो है फूफो के घर से अपने घर में जा रही हूँ, तो आए चले मेरे साथ और देखे कि मेरे घर का रास्ता फूफो के घर के रास्ते से कितना दूर है। तो माय यूट्यूब फैमिली देखे कि मेरे घर का काम हो रहा है और ये देखे मिस्त्री भाई लगे हुए हैं और अब जोर शोर से अपना काम उन्होंने जारी रखा हुआ है। और आए मैं आपको दिखाती हूँ कि घर जो है पहले कितना था और आज हमने कितना काम और करा है। ये देखे जो रेत के डिग लगे हुए हैं और गुलदेव ये दिखाओ, ये पहले हमारा ये जो था ड्राइंग रूम था ये वाला, और अभी हमारा क्योंकि हम इस घर में रहे नहीं, बहुत कम रहे, और फिर हमारा जो घर था नामुकम्मल था, इसलिए मैंने कहा कि चले अपना घर मुकम्मल करें सुल्ताना और घर को जाए। और ये हमारा था किचन और जो अब मेरे बेटे का स्टडी रूम बनेगा, और वो सामने वाला जो कमरा है वो सुल्ताना का है। और जो इधर आए कोई बात नहीं हाँ जी, तो ये देखें जी ये है मेरे बेटे का बेडरूम और ये साथ है वॉशरूम बना रहे हैं हम, ये देखें। और इसके साथ इधर आओ गुलदेव, इसके साथ ये वाली जो दीवार है ये मेरे कमरे के साथ अटैच जो है ना वॉशरूम बन रहा है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा जो है बेडरूम है, बहुत खुला है, सारा दिखाओ अच्छे तरीके से। और ये इस कमरे के आगे हमने बनाया है बरामदा, और इसमें जो वो पहले मेरा किचन था उसको खत्म करके तो आप जो ये वाला जो है ना किचन जो हम बना रहे हैं ये वाला, हाँ जी अब ये किचन बन गया। तो 2 कमरे जो है वो मेरे ऊपर है, आओ मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो आप ये देखें ये मेरे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको जा रही है सीढ़ियाँ,
और आए मैं आपको ऊपर वाला पोस्टर भी दिखाती हूँ। और ये मेरी थी, इधर मैंने लगाए हुए थे वो अंगूरों की बेल, जो आज कल इसने पत्ते गिरा दिए। और ये देखें, जब घर में कोई ना हो तो घर जो होते हैं ना वो वीरान हो जाते हैं, और मैं घर में नहीं थी। और ये मेरे ऊपर वाले दो कमरे हैं, क्योंकि मैं इस घर में नहीं रही, बंद पड़ा रहे घर। तो माय यूट्यूब फैमिली, मैं जो हूँ अब इंशाल्लाह ताला जो ये काम आप दुआ करें कि जल्दी ख़त्म हो जाए और ऊपर वाला पोर्शन भी हम ठीक कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर मेरी वापसी है गाँव, और फिर अब इंशाल्लाह मैं यहाँ पर रहूँगी। और मैंने आपको दिखाना था कि मेरे घर का मुझे सांस चढ़ गया माय यूट्यूब फैमिली, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। मैं दरअसल बैठ बैठ कर ना लाहौर में खा के तो मोटी होती जा रही हूँ और मुझे सांस चढ़ रहा है। तो आपने मुझे ये बताना है कि आपको ये जो मेरे घर का विज़िट है वो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, और मेरी वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और घंटे के बटन को आपने ज़रूर दबाना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अपना और अपनों का रखें ख्याल, और सुल्ताना को रखें दुआ में याद। अगली वीडियो तक के लिए सुल्ताना को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।